नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज में, में मेरे पास क्या है मेरे पास है ये बड़ा सा बॉक्स और ये बॉक्स के अंदर है एक मिनी रेफ्रिजरेटर मतलब कि एक मिनी फ्रिज जैसे कि आप सबको पता है गर्मी का मौसम बहुत ही पीक पे है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और भाई मेरे घर में जो कि अभी तक फ्रिज भी नहीं है एक रेफ्रिजरेटर नहीं है तो मैं तो भाई महंगा रेफ्रिजरेटर लेने वाला नहीं हूँ कोई बड़ा रेफ्रिजरेटर तो लेने वाला नहीं हूँ तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा रेफ्रिजरेटर ही मंगा लेते हैं तो मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो मुझे जो कि है ये वाला रेफ्रिजरेटर मिला जो अभी मैं आपको आगे अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ और इसका हम पूरा रिव्यू भी लेने वाले हैं कि भाई आखिर ये रेफ्रिजरेटर कोई काम का है या नहीं मतलब ये फ्रिज जो कि है एक्चुअल में प्रोडक्ट को कोई भी सामान को ठंडा कर पाता है या नहीं या एकदम बेकार है ठीक है और ये रेफ्रिजरेटर का मैंने देखा एक और खासियत है ठंडा के साथ साथ जो कि यह गर्म भी करता है इसमें दो स्विच मतलब बना हुआ है एक ठंडा करने का एक गर्म करने का तो देखेंगे कि भाई ये आखिर ये जो फ्रिज है ये सच में कोई काम का है ना बेकार है तो चलिए ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे अनबॉक्स करके देखते हैं तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना बड़ा सा बॉक्स है और ये बॉक्स में लिखा हुआ है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सेवन पॉइंट फाइव कूलिंग एंड वार्मिंग रेफ्रिजरेटर ठीक है तो इस बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि ये जो कि है सेवन पॉइंट फाइव लीटर का एक कूलिंग एंड वार्मिंग रेफ्रिजरेटर है मतलब इसमें ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है और इसका कैपेसिटी सेवन पॉइंट फाइव लीटर का दे रखा है और भाई एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो रेफ्रिजरेटर है मतलब ये फ्रिज जो है ये हमारे घर में जो नॉर्मल फ्रिज चलता है बड़ा वाला फ्रिज उसके सिस्टम पे काम नहीं करता जैसे कि आप सबको पता होगा उसका सिस्टम दूसरा ही रहता है ठीक है और इसका सिस्टम दूसरा है इसमें जो कि है एक पेल्टियर डिवाइस अंदर लगा रहता है पेल्टियर क्या रहता है थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस रहता है जिसमें अगर आप करंट पास करते हो तो एक साइड से ठंडा होता है तो दूसरे साइड से गर्म होता है ठीक है तो वही सिस्टम पे काम करता है जो गर्म वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है तो फैन के थ्रू हवा बाहर गर्म गर्म आएगा और अंदर की तरफ जो दूसरा साइड उसका रहता है वो ठंडा होता है ठीक है जिससे कूलिंग करता है और अगर आप उसी में अगर उल्टा कर देते हो स्विच को चेंज करते हो अगर आप वार्म वाला पे कर देते हो तो क्या होगा कि ठंडा हवा बाहर फेंकेगा और जो गर्म वाला होगा वो अंदर में होगा तो यही है पेल्टियर खाली आप करंट का जो कि है प्लस माइनस चेंज करके ठंडा गर्म कर सकते हो ठीक है और उसमें कोई जो कि है कंप्रेसर वगैरह नहीं रहता है पेल्टियर सिंपली एक मतलब कि डिवाइस छोटा सा रहता है प्लेट जैसा उसमें खाली आप करंट पास करते हो तो एक साइड से ठंडा एक साइड से गर्म होता है उसी को बोला जाता है थर्मो डिवाइस उसी पे ये बेस्ट है उसी पे काम करता है ठीक है तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसके ऊपर में जो कि है अमेज़ॉन का पैकेट था तो वो मैंने पहले ही खोल खाल के फेंक दिया है क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी खोल के देख चुका हूँ पर मैं आपके सामने दोबारा फिर से इसे अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ ठीक है और इसका जो बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आपको ख़रीदने का मन है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो तो इसको मैं खोल देता हूँ तो भाई ये मैंने बॉक्स को हटाया इसके अंदर से थर्माकोल वगैरह निकल रहा है तो भाई पैकिंग तो देखा जाए तो पैकिंग तो बढ़िया है पैकिंग में कोई कमी नहीं है पैकिंग अच्छा है ठीक है अंदर भी देखो अब थर्माकोल दिया हुआ है दोनों साइड से थर्माकोल के अंदर में अच्छे से पैक किया हुआ है तो अब मेन प्रोडक्ट को हमारा निकालते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रोडक्ट कैसा है तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा प्रोडक्ट और साइज़ भी लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक है दो हज़ार एक इक्कीस सौ के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक साइज़ इसका लग रहा है प्रोडक्ट का ठीक है और सेवन पॉइंट फाइव लीटर का कैपेसिटी है मतलब ठीक ठाक ही होगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको खोला एंड इसका ये ढक्कन है ढक्कन के अंदर में जो कि अच्छा जगह बना हुआ है ताकि कोई बॉटल वगैरह होगा तो उस वो थोड़ा एक्स्ट्रा जगह ले लेता है तो इधर में जो कि कवर अप हो जाएगा ऐसे आप बंद करोगे तो स्टोरेज जो कि थोड़ा बड़ा मिलेगा ठीक है और अंदर में भी हम देखें तो अच्छे खासा स्टोरेज है दाम के हिसाब से देख लो ऐसा है एंड इधर में जो कि है कुछ एक मैनुअल मिलता है कागज का ठीक है इसमें थोड़ा सा मैनुअल दिया हुआ है सिंपल बेसिक स्टेप्स बताया हुआ है कि कैसे करके इसे यूज़ करना है तो इसे साइड में रखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे एक बेल्ट दिया हुआ है बेल्ट बेसिकली क्या होगा एक यहाँ पे लगाने का दिया हुआ है और दूसरा जो कि है इस साइड में लगाने का दिया हुआ है तो दोनों साइड से आप बेल्ट लगा के इसे टांग के भी कहीं ले जा सकते हो कैरी वगैरह कर सकते हो ठीक है इसलिए बेल्ट दिया है और एक चीज़ है ये है एक वायर जिसके थ्रू जो कि है आप रेफ्रिजरेटर को चला सकते हो और इसमें आप एक चीज़ देखने को मिलेगा इस वायर को मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वायर को खोल लिया वायर में आपको देखने को मिलेगा एक साइड तो ऐसा दिया हुआ है ये दो छेद दिया हुआ है ये तो इधर में लग जाएगा इस साइड में यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है लगाने का ठीक है तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे पर ये जो दूसरा साइड है भाई ये तो कुछ ऐसा दिया हुआ है ये बेसिकली कार वगैरह में यूज होता है कार में जो हम लोग लगाते हैं कुछ भी चीज़ को चार्जर वगैरह भी तो उसमें भी ऐसे ही आपने देखा होगा प्लग रहता है कार का प्लग है ठीक है तो ये वाला इसमें दिया हुआ है पर बेसिकली हम लोग के पास तो कार है नहीं कि हम लोग कार पर यूज़ करेंगे हम लोग तो इसे घर में टेस्ट करने वाले हैं तो इसका मैं एक जुगाड़ बनाया हूँ जुगाड़ क्या है भाई कि सिंपल सा एक जुगाड़ है देख लो मेरे पास है ये एक एडाप्टर 12 वोल्ट का इसमें जैसे कि लिखा हुआ है 12 वोल्ट का इसको सप्लाई लगता है तो ट्वेल्व वोल्ट का मेरे पास एक एडाप्टर है और इस एडेप्टर के थ्रू ही मैं इसे चलाऊंगा यहाँ से एक तार जोड़ के इधर में जोड़ दूंगा इधर में क्या होता है कि ये कार वाले पिन में पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है ठीक है ये वाला अलग रहता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और ये दोनों सिंगल पीस ही रहता है एक ही रहता है ठीक है तो एक वायर इसमें या इसमें कोई भी साइड में एक वायर जोड़ दूंगा और एक वायर यहां पर लगाऊंगा और ये अडेप्टर का जो पिन है इससे इसको कनेक्ट कर दूंगा ठीक है जब आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा तो चलिए इसे कनेक्ट तो करेंगे उससे पहले थोड़ा और फीचर्स जान लेते हैं इधर जैसे कि आप देख सकते हो हॉट कोल्ड नीचे की तरफ हॉट है ऊपर की तरफ कोल्ड है और ये जो बीच में अभी मैं कर रखा हुआ बटन को मतलब कि ये ऑफ है ऑफ़ बीच में आप कर सकते हो ऊपर की तरफ आप पुश करोगे तो ये कोल्ड हो जाएगा नीचे की तरफ अगर एकदम नीचे ले जाओगे तो हॉट हो जाएगा और अगर आपको ऑफ आप करना है तो बीच में ले जाओ तो ये ऑफ हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया ऐसा सिस्टम और जैसे कि ये अंदर देख सकते हो अंदर में दिखाई भी दे रहा है एक हीट सिंक लगा हुआ है बड़ा सा और फैन लगा हुआ दिख रहा है एंड नीचे की तरफ भी एक और हीट सिंक है उसके बीच में पेल्टियर होता है ठीक है तो पेल्टियर मॉड्यूल पे पूरा बेस्ट है ये एंड इसका आपने आपको मैं जो कि स्टोरेज वगैरह दिखा ही रखा हूँ और इधर जो कि है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दिया हुआ है जिससे कि मैग्नेट के थ्रू ये पूरा लॉक हो जाता है ऐसे मैं लगा दूंगा तो ये लॉक हो जाता है ठीक है फिर जल्द आराम से खुलता नहीं है देखो फिर ऐसे खुल गया फिर मैं किया लॉक हो गया तो इस, इस तरीके से जो कि ये बहुत ही आसानी से लॉक हो जाता है तो चलिए अभी इसे चालू करते हैं और देखते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट सच में ठंडा कर पा रहा है ये नहीं ठीक है बेसिकली मेरे को ठंडा का ही काम था मैंने लिया था भाई देखने में तो अच्छा है भाई ठंडा करेगा तब ना क्योंकि ठंडा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो दोस्तों मैंने इस फ्रिज को जो कि है पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है ठीक है वायर को उधर से जो प्लस माइनस का वायर था उसको जो कि अडेप्टर से जोड़ के पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है ट्वेल्व वोल्ट का पर दोस्तों इधर जो कि एक प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मैं इसको दे रहा हूं फिर भी ये लाइट जैसे कि आप देख सकते हो भुक भुक भु भुक कर रहा है अभी मैं कोल्ड पे कर रखा हूं ग्रीन लाइट ही जल रहा है कोल्ड पे पर ये भुक 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 कर रहा है और अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूं तो ये हॉट की तरफ तो इधर अभी भी रेड लाइट ही जल रहा है पर ये भी भुक भुक कर रहा है तो भाई ये लाइट पहला बात भुक भुक नहीं करता ये लाइट एकदम रुका रहना चाहिए ये भुक भुक कर रहे हैं मतलब कि कुछ गड़बड़ है जरूर से जरूर ठीक है मेरे अडेप्टर में तो कोई गड़बड़ नहीं है भाई मैं देख रहा हूँ अडेप्टर एकदम सही है मेरा और सब चीज़ मैं चला के देखता हूँ भाई अडेप्टर से एकदम बढ़िया चलता है गड़बड़ इस रेफ्रिजरेटर में ही लग रहा है अंदर में मैं देख पा रहा हूँ कि अंदर में जो इधर में फैन चल रहा है वो फैन बार बार रुक रहा है और चल रहा है रुक रहा है और चल रहा है मतलब कि ये पावर जो की है इसके अंदर सही से नहीं जा पा रहा है ठीक है अडेप्टर से तो पावर सही से आ रहा है पर इसके अंदर ही जो की है इस तार में कुछ गड़बड़ हो सकता है या अंदर ही कुछ गड़बड़ है जो कि पावर अच्छे से नहीं जा पा रहा है और अभी मैं कूल पे रख रखा तो देखता हूँ कि अंदर कूल हो पा रहा है कि नहीं अंदर में एक पेल्टियर डिवाइस लगा रहता है तो उसको मैं छू के देखता हूँ तो दोस्तों पेल्टियर डिवाइस भी बिल्कुल भी कूल नहीं हो रहा है तो एकदम बेकार प्रोडक्ट है भाई मेरे हिसाब से तो कोई काम का नहीं लग रहा है प्रोडक्ट ठीक है पेल्टियर डिवाइस भी वैसे का वैसे ही है ठंडा नहीं हो रहा है और साथ में भाई कोई काम का मुझे प्रोडक्ट लग ही नहीं रहा है एकदम ठीक है स्टार्टिंग में तो मैं बहुत खुश था कि चलो भाई कुछ काम का प्रोडक्ट होगा पैसे देके मंगाया है दो ढाई हज़ार रुपये का प्रोडक्ट है छोटा सा है पर कॉम्पैक्ट ही होगा पर ठंडा करेगा एटलीस्ट मेरे को यह भरोसा था गर्मी का सीजन है भाई कुछ ठंडा करने वाला मिल जाएगा मेरे घर में वैसे भी कोई बड़ा फ्रिज नहीं है तो मैं सोचा कि इसको मंगा लेता हूँ पर भाई चलाने के बाद एकदम मूड ऑफ हो गया है एकदम बेकार प्रोडक्ट है कोई काम का नहीं है अंदर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रहा है ठीक है इधर अंदर मैं खोल के देख रहा हूँ इधर अंदर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है और ये आप अभी वीडियो में देख रहे हो ना मैं इसको जो कि है लगभग आधे घंटे से ट्राई करके बहुत देख लिया बहुत कुछ करके देख लिया गाइज इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है ये लाइट भूकू भू की कर रहा है और अंदर में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रहा है ठीक है यहाँ तक कि जो अंदर में पल्टे डिवाइस रहता है मैं आपको बेल्टे डिवाइस अगर दिखाता हूँ कहाँ पे है ठीक है इसको मैं घुमा लेता हूँ और जैसे कि आप देख सकते ऊपर में जो ये चार नट आपको दिख रहा होगा ऊपर में ये चार नट में ही पेल्टे डिवाइस चिपका रहता है ठीक है तो यहाँ पे भी मैं छू के देख पा रहा हूँ एकदम भी ठंडा नहीं हो रहा है तो भाई एकदम वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपको कभी भी नहीं ख़रीदना चाहिए अगर आपको ये प्रोडक्ट अगर फिर भी चेक करना है तो आप अमेज़ॉन में जाके चेक कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप जाके चेक कर सकते हो ठीक है वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये खरीदने के लिए देखिए मेरा ये है कि भाई अगर प्रोडक्ट कोई सही होता है तो मैं आपको जरूर से जरूर खरीदने बोलता हूँ अपनी वीडियो में पर कोई प्रोडक्ट अगर खराब रहता है तो भाई मैं आपको कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बेकार है कोई काम का नहीं है पैसा का बर्बादी है ठीक है तो ये प्रोडक्ट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते मिलती नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक ले बाय बाय और जय हिंद